अब आप देख लो सड़कों पे, आप देख सकते हो सड़कों पे पानी निकल रहा है, सारा कचरा बह रहा है। हमें तो अभी कोई खास विश्वास नहीं, जिसका नेशनल पार्टी जो बीजेपी है उन्होंने बहुत महंगाई की मार डाली है जी। और पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कांग्रेस के टाइम पर नीचे था, और साफ सफाई वगैरह जो थी वो चंडीगढ़ नंबर वन पे था, 66 नंबर पर जा चुके हैं। सर जी सबसे पहले तो हम लोग को छत नहीं है, यहाँ 2500 साल से बंदे बैठे हैं कि उनको छत नहीं मिला कोई कारण से। एक अलाक हुआ था 2005 में। और कॉलोनी की सबसे बड़ी बात है, कॉलोनी की समस्या अपनी सुविधाएं अच्छी दिलाई, नलकों में पानी नहीं आता, 6 बजे 9 बजे 8 बजे का पानी चला जाता है या 9 बजे के बाद, उसके शाम को 6 बजे पानी आता, पानी भी किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता है। नमस्कार, मैं हूँ अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, इन दिनों चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, जहाँ पर पहले चंडीगढ़ में 26 वोट आया करते थे, तो वो इस बार वोटों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 9 में, जिसके अंतर्गत आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, कॉलोनी नंबर 4, दरिया और संजी कॉलोनी। आज हम आपको जनता की क्या राय है, जनता की क्या सोच है, किस पर जनता ज़्यादा विश्वास करेगी, किन किन मुद्दों पर जनता को इस बार काम चाहिए, चलिए आइए बात करते हैं जनता से। मैम आपका नाम? हमारा नाम जी सुनीता। सुनीता जी, आपके वोट की क्या क्या समस्याएं हैं? सर जी सबसे पहले तो हम लोग को छत नहीं है, यहाँ 2500 साल से बंदे बैठे हैं कि उनको छत नहीं मिला कोई कारण से। एक अलाक हुआ था 2005 में, उसके वहाँ पर 45,000 रुपये जो है कि सिक्योरिटी रखा गया था 2005 किस्त, तो उस टाइम इतने कॉलोनी में गरीब बंदा जो जितने थे, तो उस टाइम उनके पास 45,000 रुपये कहाँ था रहे कि वो जमा करके अपना मकान ले। इस कारण बस हम लोग को जो है कि 40-50-65 आदमी है यहाँ पर, कि उनको 97-92 से रह रहे हैं, उनको मकान नहीं मिला आज तक। अलाट होते हुए मकान और पैसे नहीं जमा कर पाए और नहीं मिला उनको, तो हमारी मांग यही थी कि जो 800 रुपये के किराए के तौर पर और मकान सर्वे किया गया, वो मकान क्यों ने 65 आदमी को उसी तौर पर किराए के तौर पर 800 रुपये महीना जमा करके क्यों नहीं दिया गया। तो अब आपको किस पार्टी पे उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में आपके कार्य कराएगी? हमारे को तो देखिए 7 साल बीजेपी भी हो गई, कांग्रेस के राज में बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था जी। तो चलिए उनको बायोमेट्रिक सर्वे में उनको कुछ मकान दिया गया, कुछ मकान दिया गया, 250 में सिर्फ 100 मकान मिला, बाकी मकान जो है कि थोड़ी थोड़ी कमियां में किसी का नाम गलत हो गया, किसी के वाइफ का नहीं प्रूफ था, किसी का बाप का नाम गलत हो गया, तो उस कारण बंदे को मकान नहीं दिया गया, पेंडिंग में डाला गया, या 10 साल हो गया उसका कोई माई बाप नहीं है। और जो है कि जब हम 2006 में यहाँ पर बंदे थे तभी तो उनका बायोमेट्रिक सर्वे हुआ, तो क्यों ना उस ओट्स को तोड़ करके बायोमेट्रिक सर्वे को देख करके मकान दिया जा और इस कॉलोनी के अंदर सर्वे कराया जा, कि उस बायोमेट्रिक सर्वे में भी थे कि कोई बंदा उस टाइम में शादी होती थी यूपी बिहार में मार्च अप्रैल में, उसी टाइम में बायोमेट्रिक सर्वे हुआ, वो बंदे जो है कि कोई घर चला गया था शादी करने के लिए, किसी हॉस्पिटल में था, कोई पचकुल्ले में था, कोई मोहाली में था, संजय लेबर कॉलोनी में एक दिन में बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था। इस कारण बस भी बंदे छूट गए हमारे बहुत से ज़्यादा कि उनका बायोमेट्रिक सर्वे नहीं हुआ, तो उनका वोट देख करके उनको मकान अलाट किया जाए। सबसे पहले हमारी छत का समस्या है, तो यही चाहिए कि भाई जनता जो किसी भी कॉलोनी में हो, मैं पूरे चंडीगढ़ की बात करता हूँ, जिनका बायोमेट्रिक सर्वे है और जो लोग रह गए हैं बाकी वंचित हैं जिनको मकान नहीं मिला, उनका दोबारा सर्वे कराया जाए और मकान दिए जी। तो आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे वो आपकी समस्याओं का निवारण करेगी? देखिए मैं शुरू से ही आज से नहीं 91 से भाजपा के दस का करता हूँ, आज भाजपा के ही साथ है भारतीय जनता पार्टी, और कोई भी काम इस टाइम करा सकता है तो रूलिंग पार्टी ही करा सकता है, जो केंद्र में है या चंडीगढ़ प्रदेश में है काम वही करा सकता है। और अगर कौंसल के इलेक्शन हम जीते हैं तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम ये काम करें। और मेरे फादर साहब से प्रेजिडेंट रहे थे काफ़ी टाइम पहले कांग्रेस से, और इस टाइम सिस्टर वगैरह भी हैं, तो मैं भी कुछ पार्टियों के यहाँ पर देखा, मैंने हर पार्टी बस अपना ही काम हुआ है इलेक्शन। इस बार चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी भी आ रही है जो कि पहले कभी नहीं आई, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ये तो वैसे नगर निगम के चुनाव है, कैंडिडेट निर्भर करता है लोकल,
आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट जो काम करने वाला है अच्छा है, कैंडिडेट कैंडिडेट को निर्भर है, वैसा कैंडिडेट हमारे बीच में अभी तो है नहीं, उम्मीद रखी थी बीजेपी से, उम्मीद आजाद उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े हुए हैं, आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए, पर वो एक्चुअली बीजेपी पार्टी में थे, अभी आजाद उम्मीदवार आए हैं खड़े हैं, और जो कांग्रेस के थे वो भी सपोर्टिंग में है, पर उम्मीद उम्मीद ही है बस, बाकी कहते सबसे उम्मीद ही लगा रखी थी मकान के अलावा, यहाँ पे मकान के अलावा और क्या क्या यहाँ पे, मकान के अलावा बहुत समस्याएं हैं, अब आप देख लो सड़कों पे, आप देख सकते हो सड़कों पे पानी निकल रहा है, सारा कचरा बह रहा है, टॉयलेट यहाँ की साफ नहीं, तो आपके जो पूर्व काउंसलर है आपने कभी उनसे पूर्व काउंसलर से भी बात की है, बताया समस्या हो जाए, कभी एक बार भी जब से जीते उसके बाद देखने नहीं आया, और उसने साफ बोला था मुझे कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है, कॉलोनी से ना मुझे नाम लेना, यहाँ के पूर्व मास्टर थे जो दे सकती शारी हथियार, अभी भी उनका ही समय जब तक इलेक्शन था उसका ही एरिया है ये, उसका भी सफल नहीं दिखाई उन्होंने, और ना वो आए और यहाँ आते तो यहाँ चुनाव में वो आए थे वोटिंग मांगने के लिए, उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि हम तो यहाँ पे मकान जिसमें भाई साहब पेंडिंग में है हम सबको दिलाएंगे, बाकी किसी को बिखरने नहीं देंगे, हम अच्छा काम करेंगे, सब बातें झूठे ही रहेंगे, कोई ये काम नहीं किया, उसका शकल भी नहीं दिखाई उन्होंने, तो अब आपको किस पार्टी से उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम पे वो आपकी समस्याओं का निवारण करेगी? देखो पार्टी कांग्रेस से भी उम्मीद है, अगर कांग्रेस आती है तो उससे उम्मीद है कि जो उन्होंने पहले गलतियां करी हैं कि पहले लोगों को जैसे कॉलोनी में पहले कौन बंसल जी थे उन्होंने 5 नंबर कॉलोनी गिराई, उसके थोड़ा सा डल गया कॉलोनी वासियों पर कि ये कॉलोनी भाई चंडीगढ़ में गरीबों को उठाया, उसके बाद उनको उस तरह मामला भुगतना पड़ा 2 साल 10 साल के पंचों साहब आए नहीं, अब उम्मीद ये है कि अब वो कर रहे हैं दौड़ रहे हैं काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि कांग्रेस से भी उम्मीद है कि आए और कांग्रेस के राज में ही मिला था और बीजेपी से उम्मीद मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब 10 साल से अब देख लो इतना बुरा हाल है बीजेपी का, कुछ एक भी काम नहीं कराया, अभी कॉलोनी में इतनी समस्याएं बहुत है, ना यहाँ पे शौचालय सही है, ना यहाँ पे सफाई है, ना यहाँ पे सड़कों पे नाले बह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है पहली बात तो ये इलेक्शन आ रहा है, इससे पहले इन्होंने बाइकट कर दिया कॉलोनी से कि ये कॉलोनी थी नहीं ऑनलाइन में, तो अभी दोबारा इलेक्शंस का दौर है तो क्या यहाँ के जो पूर्व काउंसलर हैं या और अन्य पार्टी के हैं वो यहाँ पे कैंपेन करने आते होंगे? बिल्कुल कैंपेन करने के अनेक वायदे भी होंगे, क्या क्या वायदे किए इस बार? वायदे तो सब करके जाते हैं, हम आपको छत दिलाएंगे, हम आपके सुविधा कराएंगे, मकान रोजगार होगा और अच्छे काम कराएंगे, टाइले लगवाएंगे, पर सब वायदे ही कर रहे हैं ना, पर पूरा करता कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है इलेक्शन चंडीगढ़ कमीशन देखो पहले ऑनलाइन इन्होंने बिल्कुल बाइकट बाहर कर रखा था कि चंडीगढ़ कॉलोनी है ही नहीं, नामो निशान निकला, अगर किसी की कोई सामान स्कूटी लेने जाए तो बंदा कैश देने दहेज में लड़की को स्कूटी देनी थी वो नहीं मिली, वो कहते हम कहाँ से दे आपका नाम निशान नहीं चंडीगढ़ कॉलोनी, हम आपको नहीं देंगे, अब इलेक्शन वोटिंग का टाइम आया तो इन्होंने ऑनलाइन इसको जागरूक किया है कि हाँ ये वोटिंग हमारा हम निशान है तो हम कैसे वोट डालें, यहाँ पर वोट भी हमारे यहाँ नहीं है सब कुछ, और ये मेरे सारे कुछ है देखो पेपर पूरा पड़ा मेरे पास, पेपर बायोमेट्रिक सर्वे है, अंगूठा पेंडिंग है, सारा कुछ मेरा है, एक इशू ये था इसमें कि मेरी वाइफ का प्रूफ नहीं था और ये मैरिज सर्टिफिकेट लग चुका है उसका भी, और उसके बाद भी ये देखो मेरे को मकान मिला नहीं, और चंडीगढ़ प्रशासन कहती है, चंडीगढ़ का प्रशासन कहती है कि हमने संजय कॉलोनी वालियों को मकान दे दिया सबको, अभी कम से कम इसमें 200 पेंडिंग वाले ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी गलतियां हैं उसको वो यहाँ पे हैं, हम कहाँ जाएंगे इतने प्रशासन, 20 साल से मैं यहाँ पे चंडीगढ़ कॉलोनी में रह रहा हूँ और एक चंडीगढ़ प्रशासन धक्का साई और धांधली कहती है और ऐसे कहती है हमने सबको गरीबों को मकान दे दिया है, अरे हमारा हक हमें तो दिया नहीं, उसको क्या दिलाएंगे, मुझे क्या उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी, जो जिसने कांग्रेस के राज में था कांग्रेस से हम नहीं पूछे, इतना सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस ने जो नहीं किया वो बीजेपी तो करके दे, पर बीजेपी से भी हम उम्मीद नहीं मिली है, मैं यही उम्मीद करूँगा जो पार्टी अगर जीती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो पार्टी जीती है कम से कम उम्मीद करें कि हम गरीबों के साथ अन्याय ना हो अब, और इसका देखा जाए जो इसके छत पेंटिंग में उनको मकान दिया जाए, जो बेचारे हमारे किसी 20 साल से रह गए उनका भी कहीं ना उनके बारे में भी सोचा जाए, पुराने उनका प्रूफ देख के दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं दिया जाए, और कॉलोनी की सबसे बड़ी बात है कॉलोनी की समस्या अपनी ये सुविधाएं अच्छी दिलाए, नलकों में पानी नहीं आता 6 बजे 9 बजे 8 बजे का पानी चला जाता है या 9 बजे के बाद, उसके शाम को 6 बजे पानी आता है, पानी भी किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता है, एक पानी की व्यवस्था है, शौचालय नहीं है, शौचालय सारे छूटे हुए हैं, कोई नहीं सड़क पर कचरे बह रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, बहुत ही यानी कि यहाँ पे समस्या है, बड़ी मुश्किल से गरीब गुजर अपना बसर कर रहे हैं, बड़ी मजबूरी में किसी तरीके से काट रहे हैं, और कोई भी यहाँ 5 साल आते हैं सिर्फ लालच दे के बंदों को करके वोट लेके उसके बाद अपने दिखा देते हैं हाथ की, हाँ जी हम मैं यही मैं देखता हूँ कि इनको ये सब करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए गरीबों के बारे में कॉलोनी के बारे में, जैसे इसमें मतदान में वोट दे रहे हैं तो हमारे बारे में सोचें, हाँ बगर दिए हमें। राजेश जी आपको क्या उम्मीदें हैं किस पार्टी से कि आने वाले जो टाइम में आपके अगर किसी की सत्ता आती है पार्टी की तो आपके जो कार्य हैं जो पहले पेंडिंग पड़े हैं वो कराएगी? कार्य तो देखो जी भाजपा का पार्षद पहले रह चुके 5 साल,
कोई काम नहीं कराया है, तो हम भाजपा से क्या उम्मीद रख सकते हैं। मोदी जी बोले कि 2022 तक सबको मकान छत दिया जाएगा, जब इलेक्शन आता है तो उनका कोई काम योजना शुरू हो जाता है, इलेक्शन बीत जाता है तो कोई काम नहीं होता है। अब उम्मीद तो वही है कि कांग्रेस ही कुछ करा सकती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं संजय कॉलोनी में, वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत जो आती है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो हर पार्टी से उम्मीदवार आता है, अनेक वायदे भी करता है, लेकिन जब उनकी समस्याओं का निवारण का समय आता है तो वो साफ मना कर देते हैं, नकार जाते हैं कि ये कॉलोनी वार्ड में आती ही नहीं है। दोबारा से इलेक्शन आए हैं चंडीगढ़ में तो सारे उम्मीदवार फिर से आए हैं, फिर से लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होगा ये तो समय नहीं बता पाएगा। ऐसे जानने के लिए बने रहिए प्रकाश टीवी पर। इस वक्त हम खड़े हैं दरिया में, जहां पर लोगों की क्या राय है, किस पार्टी के ऊपर लोगों को विश्वास है, आइए हम जानते हैं, बात करते हैं जनता से। हमें तो अभी कोई खास विश्वास नहीं दिखता। नेशनल पार्टी जो बीजेपी है उन्होंने बहुत महंगाई की मार डाली है जी, और पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और रसोई गैस का दाम ऊँचे उस पर स्तर पर गए हुए हैं जी, और आगे भी ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये लाल डोरे के बारे में बार बार कहते रहे कि लाल डोरा बढ़ाइए बढ़ाइए, लेकिन इन्होंने लाल डोरे का कोई समस्या का नहीं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे समय में महंगाई स्तर नीचे था। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम पर नीचे था, और साफ सफाई वगैरह जो थी वो चंडीगढ़ नंबर 1 पे था, अब 66 नंबर पर जा चुके हैं। इसलिए ये है कि बीजेपी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया, और अब जो आने वाला टाइम है वो हम एचपी सरपंच जो पूर्व सरपंच रह चुके जो पहले बीजेपी में थे, हम अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है एचपी सरपंच की सपोर्ट में। यानी आप आजाद उम्मीदवार? हाँ आजाद उम्मीदवार। हाँ जी हाँ जी, आज़ाद उम्मीदवार। सर आपका नाम? अरुण वर्मा। अरुण वर्मा जी, आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में जो है, एक तो बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी नहीं है कोई, हम अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन करना होता है तो हमारे को शहर में जाना पड़ता है जी, वहाँ पे हमारे को कम्युनिटी सेंटर की सुविधा चाहिए यहाँ पे, और एक प्ले ग्राउंड हो बच्चों के लिए। अब हमारा जो है एरिया काफ़ी बड़ा हो चुका है जी, कुछ जो सड़कें हैं सीवरेज हैं ये जो है सरकार की तरफ से अभी भी हमारे को एक रेड लाइन के पास सुविधा नहीं दी गई, लोगों ने अपने ही पैसे इकट्ठे करके डाले हुए हैं। और हमारी सबसे मेन समस्या तो ये है कि हमारे जो मकान हैं इनके ऊपर जो तलवार लटकती है इसको रेगुलाइज। गुलजार सिंह जी, आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो आपकी समस्याओं का निवारण करे? सरपंच है 15 साल से काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ के लोगों का आज़ाद उम्मीदवार सरपंच हैप्पी पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले टाइम में एक लोगों की समस्याओं का वही निवारण करेंगे। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।